दोस्तों आज के इस एक्सप्लेनेशन में हम एक क्यूट लड़की को देखेंगे जो अपनी ही बेस्ट फ्रेंड के पिता से प्यार कर बैठती है। अब आगे कैसे इस मासूम शक्ल की मुलायम मांगों को एक अच्छा पिता पूरा करता है ये हम आज के इस एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। गाइस इस मूवी की स्टोरी को सभी ऑडियंस के थ्रू बहुत ही ज्यादा लाइक किया गया है, प्लस इस मूवी को ऑस्कर अवार्ड भी दिया गया है। गाइस मूवी का नाम है अमेरिकन ब्यूटी, जिसे 1999 में रिलीज किया गया था। मूवी के स्टार्ट में हम लेस्टर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक मैगजीन एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करता है, लेकिन उसे ये जॉब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसकी वाइफ का नाम कैरोलिन है और वो एक रियल एस्टेट ब्रोकर है, पर एक जमीन है तो दूसरा आसमान, क्योंकि इनकी थिंकिंग्स बिल्कुल भी नहीं मिलती। इसलिए उनकी शादी से लेकर आज तक कैरोलिन के साथ लेस्टर का दम घुटता है। उनकी एक 16 साल की बेटी भी है जिसका नाम जेन है, और जेन अपने मॉम डैड को कुछ खास पसंद नहीं करती है। साथ ही वो अपने स्कूल में एक अच्छी चीयर लीडर भी है। अब एक दिन इनके पड़ोस में कुछ नए नेबर्स रहने के लिए आते हैं, जिसमें एक फ्रैंक नाम का आदमी, उसकी वाइफ और उनका बेटा रिकी था। फ्रैंक US नेवी से रिटायर्ड कर्नल है और उनका बेटा रिकी एक टीनेज है। उसे फिल्मिंग का बहुत शौक है, इसलिए वो हर वक्त अपने आसपास के सीन्स को कैमरे में रिकॉर्ड करता रहता है। इसके साथ ही वो एज अ केटरिंग बॉय एक होटल में काम करता है, और साथ ही वो लोगों को ड्रग्स सप्लाई करता है। फ्रैंक रिकी को लेकर काफी स्ट्रिक्ट है और वो छोटी छोटी बात पर उसे मारता है। उसने रिकी को मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करने के लिए फोर्स किया था, लेकिन रिकी नहीं गया, तो उसने रिकी को एक मेंटल हॉस्पिटल भिजवा दिया। अब हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहां फ्रैंक रिकी को मार रहा होता है, और यहां इनकी बातों से हमें पता चलता है कि फ्रैंक एक गे है और वो अपने आप से परेशान होने की वजह से